चल घूम इधर आ, अबे इधर आ, आजा, तो मेरे पीछे लग जाती है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे, बाकी उठ गया था मैं जल्दी, अभी चाय पीने बैठा था और यहाँ पापा का अखबार चल रहा है अभी। तो अखबार में वही आज तो पूरा वही है, देश की सियासत की नई दिशा, ये वो, मतलब चार राज्यों में बीजेपी आई है, एक में आम आदमी पार्टी आई है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत, चलो। सो कल मैंने एक हरकत करी थी, तो यहाँ नीचे थोड़ा आटा गिर गया था, तो मैंने लात मार के फेंक दिया था, अब मेरे को ये नहीं पता था कहाँ गया। तो अभी एक सीन हुआ ना इसमें, देखो यहाँ पे, मतलब ऐसा करा ना मैंने, हल्का सा मतलब नजर पड़ी मेरी तो साइड में, मैं तो एकदम डर गया, मैं छिपकली इस पे भाई सा मतलब फेंकने वाला था, पतीला बाद में देखा मेरे को याद आया आटा मारा था मैंने, तो यहाँ चिपक गया था। ग्रिप तो अच्छी है ऐसे आटे की, है ना। सो टाइम का दिन के 12 और अभी नहा लिया, अब नाश्ता करके एक बार चलते हैं कमल कोटा भाई इनके उधर। तो किरसन नहीं है छारिया अपने भाई, उससे लस्सी मंगाई थी तो लेके आ रखा है, तो मैंने कहा भाई अपने पास बहुत जगह है तो वहाँ रख दियो, क्योंकि वहीं उतर रहा बस से, तो वहीं रखवाली लेके आनी पड़ेगी अब, तो ले आते हैं फटाफट। सो अभी हो गया भाई अपना नाश्ता, तो चलते हैं, बाकी मम्मी का भी कुछ काम है तो मम्मी को भी लेके जा रहा हूँ साथ में। सो तेल के रेट हाई होने की अफवाह थी, तो मैंने तो टंकी फुल करवा ली है। बैठ 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 बैठो, है कोई तो हमेशा नींद में रहता क्या। सो आ गया भाई अपनी हर बार की तरह इस बेकरी में, सोनू बेकरी में, बाकी मम्मी को छोड़ा आया था मैं, जहाँ ड्रॉप करना था जाते टाइम पिक कर लूंगा, तो अभी मैं लस्सी लेने आ रहा हूँ। कहाँ पे रखी भाई लस्सी, कहाँ रखी है लस्सी, लस्सी शीत, शीत हरियाणा में शीत कहते हैं भाई, शीत। सो यहाँ लस्सी को भी जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। चलो एक लीटर कह रहा था फालतू, एक से दो ना, सवा लीटर है। नैनियो लीजिए ना, के करनी लोग है ना, 70-70 चॉकलेट फॉर्म बता, अपने आप खिलाते हैं, अपना बिजनेस है बता। हाँ ये भी है। सब एक ग्राहक आया था तो चॉकलेट चाहिए थी उसको, तो उसको 70 रुपए की महंगी भी लग रही है, पर उसको अपनी गर्लफ्रेंड को देनी भी है जो बाहर खड़ी है। मतलब तगड़ा सीन है यार, या तो फिर सेटिंग मत बनाओ, मतलब गर्लफ्रेंड मत बनाओ, या फिर खर्चा करो भाई, है ना, दोनों में से एक काम तो करना पड़ा, फिर ले ही गया बेचारा मजबूरी में। सो भाई यहाँ कमल भाई अपना जिम्मेवारी लेता है लोगों से सिलेंडर रखने की उनके, और बेचारा डर गया था अभी सिलेंडर नहीं मिला, तो भाई संभाल के रखा कर, तो पता लगे रुपये देने पड़ जाए, भलाई का जमाना नहीं आजकल। चलो क्या चार्ज है सिलेंडर रखने का, हमको बता दे, हम भी बता देंगे फोकट में भलाई, वो जा रहा है। अच्छा चलो बढ़िया है। सो आज आपको लाइव दिखा दे भाई चॉकलेट केक है जो कैसे बनता है। ये देखो चॉकलेट की अभी ताजी ताजी ब्रेड निकाली है भाई ने इसमें से, तो इसका बनेगा केक। सो सबसे पहले भाई ब्रेड के ना 3 टुकड़े किए जाते हैं ऐसे अलग अलग, चिथड़े से उड़ाए जाते हैं। उसके बाद ये देखो ये चॉकलेट रखी हुई है अभी मेल्ट करके, इसको डालेंगे मतलब खतरनाक ही बनेगा केक। सो यहाँ से भाई क्रीम निकाली जा रही है, प्योर चॉकलेट नहीं है क्या है, चॉकलेट क्रीम, खाली चॉकलेट क्रीम, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली भाई फोटो की गए तो इसलिए इसको इतना छोड़ दिया ऊपर से, बाकी फोटो लगा के फिर डेकोरेशन होगी। छोटा होगा दिन के 1:30, बाकी फोटो केक आपने देख लिया होगा, बाकी सही मस्त एक नंबर का लग रहा है। बाकी अब चलते हैं घर को भाई, बहुत लेट हो गया, मैं लस्सी उठाता हूँ और निकलता हूँ फटाफट, मम्मी का भी कॉल आ रहा है, मम्मी को जहाँ ड्रॉप किया था वहाँ से पिक करना है ना। ठीक है भाई चले, ओके मिलते हैं बाद में, बहुत बढ़िया काम करा तूने, एक नंबर का मजा आ गया भाई, ऐसे ही केक बनाते रहो, तरक्की करते रहो। ठीक है। सो आ गए भाई मम्मी को लेने के लिए, तो मम्मी सुनाइए अब है, जल्दी तो आया मैं और क्या। छोटा मौका दिन के 2 और आ गए घर, बाकी पंकज ने बना दिया आज मस्त झोई भात, तो झोई भात पंकज ने बना दिया, तो रायता बनाना है एक मेन चीज, तो छारिये से जो लस्सी मंगाई थी ना हमने मेन, उसका रायता बनाता था बूंदी का, तो उसके लिए मैंने मंगाई थी, मन कर गया था कल की बनाएंगे कल, तो आज वही बनाते हैं। सो भाई अभी 3 बज गए और मैं मोनी बहन के आ गया था, तो खाना मैंने वहीं खा लिया, तो राजमा चावल बना था अपना फेवरेट, तो वहीं खा लिया मैंने, तो मम्मी यहाँ पे वेट कर रही, वेट तो कौन कर रहा हमारा, जो खा पी के सारे पैके बर्तन धुल रहे, तो टाइम होगा शाम के 6 और मम्मी के पास आ गए टीना।
मम्मी को बैठने दे ढंग से, और मम्मी को डर लगता है। अलज की हो, अलज की कुर्सी के पैर पे, रुक जा, उल्टा घूम इधर आ, अबे इधर से आ, पल्ली साइड जा, चल घूम इधर आ, अबे इधर आ जा, तो मेरे पीछे लग जाती है, मेरे से पता नहीं क्या, एक बार और घूम, चल इन्हें उधर घूम, अबे घूम जा कह रहा हूँ, आ जा घूम, यहाँ घूम, घूम एक बार, घूम जा, इतना दिमाग है नहीं घूमने का। मम्मी उठ, अब कुर्सी ना उठा ले, अब तो मम्मी उठ गई, इतना वो नहीं है, डर रही है बिल्कुल, खाएगी उधर को, फिर डर रही है, पता नहीं कितना डरती है, दूर बैठ जाओ थोड़ा टीना से, टीनुली है टीना, टीनुली। तो टाइम अगर रात के 10:30, और भाई यहाँ रखा था सोनू भाई इनके कमरे में, तो ये दीपू भाई का फोन देखो, स्ट्रगल दिख रहा है, मतलब पता क्या है, पहाड़ों में रह के यही दिक्कत है, तो मतलब हल्का सा ही फोन गिरा ना, क्योंकि पत्थर जगह जगह होते हैं, तो ये हाल होता है बेचारे का, मुंह अभी देखो। अभी ये फोन है एकदम पूरा डैमेज हो रखा है, यहाँ से पूरा डैमेज हो रखा है, और जो अभी ये मोबाइल है अभी 4-6 महीने की और वारंटी पे है ये, तो कुछ हो थोड़ी सकता है इसका, टूटे फूटे कुछ नहीं होता ना। सो भाई पहाड़ों में ना ये स्ट्रगल होता है, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, मैं भी कर रहा था ना, मेरे को बहुत डर था भाई, कहीं हल्का सा भी गिर गया तो काम खत्म फोन का, पर मैं सेफली करा, तो भाई थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड होकर बना रहा होगा कुछ वीडियो, तो इतने में काम हो गया, तो इसीलिए कहते हैं सावधान रहे, सतर्क रहे, क्राइम पेट्रोल देखें। तो भाई कैसा लग रहा है झज्जर में, 1 साल बाद आके, 1.5 साल बाद, मतलब ताजा हो चुके हैं यहाँ पे, पुरानी याद है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, मेरे को ज्यादा, कल तो बेचारा रोने लग गया था यार, पहाड़ों से आया हूँ करके, है ना, कल इमोशनल हो गया था ना, हो गया था, बस कोई बात नहीं, रोइयो मत, रोइयो, 2-4 दिन तो थोड़ा सा अलग लगता है, चलो कोई नहीं, पहाड़ तो अब धीरे धीरे अपना आदत हो जाएगी यहाँ की दोबारा, ना पुराना ही है भाई, तो आपको पता ना हो तो भाई ने यहीं से 11वीं 12वीं करी, ग्रेजुएशन भी यहीं से करी है 3 साल, नेहरू कॉलेज से, अपने ही से, हमारा जूनियर ही था ये, लगभग 5.5 साल, हाँ, तो आपको नेहरू कॉलेज भी दिखेगा आने वाले ब्लॉगों में, इसके चैनल पे भी दिखेगा, मेरे चैनल पे भी दिख जाएगा, अगर डिग्री देने साथ में गए तो, चेहरा हमारा टूटा फूटा ऐसे 2-4 दिनों गोरे हम हो जाएंगे, ये सुन रहे भारत में, देखो खाली मम्मी खाना बना रही है, रोटियां बना रही है, बाकी आज हमारे भैया आ रखे हैं एक, और ये हमारे भतीजी, तो ये सारे फोन में व्यस्त है, देखो 1, 2, 3 और चौथा है बेचारा, ये भी व्यस्त ही है, बिना फोन के कोई नहीं है, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से, सर हमारे रख लें, चार्जिंग भी चला रहा है, मेरा देश बदल रहा है, देख सारे फोन में व्यस्त है, उधर देखो गर्दन झाक के देख खिड़की से, एक भी ऐसा नहीं इस पे फोन ना हो, दिखा दिया मैंने, लोग भी देख रहे हैं कि फोन में, मतलब बाहर से कोई लोग आ रखे पर फोन चाहिए, वैसे कोई बात नहीं कर रही, रोटी बननी बाकी है, रुक जाना सिंगर अच्छा, चाहो तू लट खाना चाहोगे, कमेंट में खाऊंगा, कोई बढ़िया बोल देगा फिर, वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा जिम्मेदारी है, मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है फोन, ये देखो अभी अभी हमको हमको देख रहे की मेरे बारे में बात हो रही है, करके ना लगे रहो बहुत ही गंदी आदत, सही बात है, कोई आया तो फोन पे लगे रहना, मेरे को तो ऐसी आदत हो गया, क्या बताएं सो जी, मस्त हवा लग रही है ना, ऐसे करते लग रही है ना एसी जैसी, बिल्कुल जिस तरह एयर कंडीशनर की हवा आती है ना, वो वैसे ठंडी ठंडी आ रही है, फुल फॉर्म बताना जरूरी होगा, एयर कंडीशनर एसी, पढ़े लिखे हैं ठीक है ना, हाँ। सो टाइम अगर रात का 11:30, और वो भैया को छोड़ा था सोनू भाई इनके यहाँ, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी ना रहने की, तो खाना खुना खा लिया, अब चलते फटाफट छोड़ाते हैं, फिर हम भी आके सो जाएंगे फटाफट, लेट हो गए बहुत, 12:15 होने वाले, 11:30 सर, सोनू भाई आ गए भैया को लेने, कोई नहीं आ रहे भैया, हेलो हेलो, और आ सोया नहीं यार, 12:15 हो गए, अच्छा जी। सो भैया गए, सोनू भाई मनोज भाई इनके यहाँ, और हम चलते हैं, हम भी सो जाते हैं, छोटा मगर रात के 12:00, और भाई अब सोने की तैयारी हो चुकी है, भैया को सोनू भाई इनके साथ भेज दिया है, और हम भी सो जाते हैं, तो चलिए करते फ्लैश वीडियो का, एंड होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बिजली आज भी नहीं बचाई जा रही है, तो इसको बंद करता हूं पहले, तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो सॉकेट हो या फिर मतलब इलेक्ट्रिकली कोई होता है, कोई बात नहीं, होता आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, टूट गया तो टूट गया, सो भाई पहाड़ों में बहुत स्ट्रगल है, आजकल हूं झज्जर में, इससे पहले भी मैं 5.5 साल यहां पर रहा हूं, काट दूंगा मैं, काट दे तू यार इसको।